आज ज्ञानवापी प्रकरण में जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में ज्ञानवापी से संबद्ध मामले जो 8 क्लब किए गए हैं उन पे एक आपत्ति पड़ी थी कि इनको ट्रायल कोर्ट में पुनः निचली अदालत में भेज दिया जाए और सीपीसी के सेक्शन 24 के तहत ये विशेषाधिकार ट्रायल कोर्ट के हेड यानी प्रमुख जिला जनपद न्यायाधीश को है, वो अपने विचार से इस पे ट्रायल कर सकते हैं अथवा अन्य कोर्टों पे भेज सकते हैं। परंतु रकबा नंबर 91-30-31-32 का ही विषय है जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, इस नाते इस मामले में यह विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश अपने पास भी रख सकते हैं, क्योंकि जब मुकदमे इकट्ठा होते हैं तो एक साथ साक्ष्य प्रस्तुत होता है, एक साथ आर्ग्यूमेंट होता है, एक साथ ट्रायल होता है और उसको न्याय दिलाने में देने में माननीय न्यायालय को सुविधा होती है। इसी मद्देनज़र इस विषय पर मामला था और एक पक्ष और भी आया था कि जो तहखाने बंद हैं ज्ञानवापी के उनका भी एसआई सर्वे करवा दिया जाए, तो इन विषयों को लेकर ही आज मामला था और अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है। भाई क्या रही, आज कई मामले सुने जाने थे, आज कोर्ट की कार्रवाई कई मामले था जिस पर जो है कई एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। एक प्रार्थना पत्र किरण सिंह की तरफ से पड़ा हुआ कि जो मुकदमे सारे क्लब हो गए थे उन मुकदमे में इनका जो मुकदमा 610-23 है उसको जो है बैक करके वापस करके पुनः ट्रायल कोर्ट सिविल कोर्ट में इसको सुनवाई के लिए भेजा जाए, ये इन फाइलों से अलग सुनवाया जाए, इस पर सारी सुनवाई है। जबकि ये सारे तथ्य जिला कोर्ट ने पहले सुना है और सुनने के बाद आदेशित करने के बाद सारे फाइलों को ट्रांसफ़र किया है, ये आदेश में चला गया है इनका जो है एप्लीकेशन। और इस तरह जो है और भी कई पड़े हैं, तहखाने का भी था जिस पर सुनवाई नहीं हो पाई है, जो तहखाने जो ब्यास जी का है, जो अभी हिंदू पक्ष को जो ब्यास जी का तहखाने जिसमें पूजा पाठ के लिए आदेश हुआ था 31 जनवरी को, उसकी छतें जो है जर्जर है, दीवारें जर्जर है, इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इसको जो है इस पर रोक लगाया जाए, इस पर भी सुनवाई अब अगली तारीख 3 तारीख को डेट पड़ा है, 3 तारीख को जिला कोर्ट इस पर सुनवाई पुनः करेगी। आज का निष्कर्ष क्या निकला है? आज का निष्कर्ष यह है कि 3 तारीख का डेट पड़ा है, आदेश में चला गया है, किरण सिंह का जो मामला था वो वापस चाहते हैं रिवर्स करके ट्रायल कोर्ट सिविल कोर्ट में सुनवाई हो, इस पर उन्होंने अपने पक्ष को रखा, एक प्रार्थना पत्र दिया था, ये आदेश में चला गया है, ये मूल आज का ये निष्कर्ष सुनवाई का था।